Anupama Bhardwaj, and he just said that single girl among all the male performers. So I was the only girl in mechanical engineering. So that happened. So, well, okay, engineering se I switched to sociology. I'm a student of Delhi University. So, mera bend bhi bahut badla. जिंदगी में चीज़ों को देखने का नज़रिया तो सर्टनली यहाँ माहौल अभी काफ़ी लाइट है तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट आई एम नॉट गोइंग टू डू कॉमेडी एट ऑल तो जैसे एंटरटेनमेंट भी तो कई तरीके के होते हैं ना यू गो एंड वॉच अ हॉरर मूवी यू गो और वॉच अ गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप ऑफ मूवी यू गो एंड वॉच अ वेरी सैड रोमांटिक मूवी सो समवेयर माई परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी इन द लास्ट सेक्शन तो ये एक मेरा अफशांचा है अफशांचा कहते हैं छोटी स्टोरीज को मंटो ने ये शैली शुरू की थी जिसका हर्फ है लाज तो अब उसके पहले कुछ सवाल अभी आप लोगों को पता है शायद कि ईस्टर्न इंडिया में हम लोग यहाँ दिल्ली में रेन ऐसे रेनी सीजन बहुत इन्जॉय कर रहे हैं बट ईस्टर्न इंडिया में फ्लड्स हैं अभी असम बिहार ये फ्लड में डूबा है और अगर आप इसको यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स इतने मरे इतने हताहत हुए इतना कॉम्पेंसेशन मिला बट स्टोरी कुछ अगर आप पास जाएंगे तो थोड़ा कुछ और अलग होता है इट्स नॉट लाइक दे थिंक अबाउट फ्लड ऑल द टाइम इट्स समवेयर इन द बैकड्रॉप बट देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग तो मेरे पहले जो अफशांचा उसका हर्फ है लाज ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की आठवीं कक्षा में है छठी कक्षा से उसने ABCD पढ़ना शुरू किया था हिंदी में हिंदी मीडियम स्कूल है तो अंग्रेज़ी छठी में इंट्रोड्यूस हुई आठवीं में उसने सीखा कुछ मे आई गो टू टॉयलेट सर मे आई गो सर मे आई सी इट सर उसने सोचा अभी अंग्रेजी की कक्षा में सीखा है अगले संस्कृत वाले में अप्लाई करते हैं क्लास में खड़ी हुई सर मे आई गो टू टॉयलेट सर ऐसे अवाक जाने जा उसकी सखी थी रेनू उसको बोला सर सलीका सिखाओ लड़की को ऐसे कौन बोलता है जी जी रेनू ने कहा मुनिया ऐसे ना ऐसे नहीं बोल क्लास में ऐसे नहीं बोलते टॉयलेट जाना है मुनिया घर गई मुनिया की माँ बैठकर चावल बिन रही थी धीरे 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 उसने माँ मैं मदद करूँ कर बेटा बैठी पैर फैला के ऐसे मुनिया लड़की ऐसे नहीं बैठती बेटा चुको मुको बैठो पालथी मार के नहीं बैठती लड़की हाँ माँ ठीक है मुनिया अगले दिन ऐसे जाती थी सलवार कमीज में उसने उस दिन अपनी स्कर्ट पहन ली पुरानी वाली गुजरी ऐसे चार पांच लड़के खड़े मुनिया और थोड़ी कॉन्शियस हो गई बढ़ी आगे इस बदलाव में मुनिया ने लाज का एक चोंगा ओढ़ा कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आई बाढ़ के वक्त घर का सारा सामान नाव में रख लिया भात वहीं बनता भात वहीं खाते बच्चे वहीं रोते बच्चे वहीं गाते चलता रहा तब एक दिन दोपहर के वक्त ही मुनिया को टॉयलेट लगा मुनिया ऐसे देख रही थी कहाँ बाढ़ का माहौल एक शांत रेगिस्तान सा होता है लेकिन उसमें टीले नहीं होते टू कवर अप वो नाव खेती 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 कोने में गई कोने में एक पेड़ की ओट में वहाँ पानी बहुत ऊंचा था नाव पलटा मुनिया नदी में बिहार में छठ पर्व का काफ़ी महात्म है मुनिया की माँ वहाँ पानी में खड़े होकर अर्घ दिए थे कई बार उसने वो बैठकर धार देखकर जार जार रोई कि कौन रे जुलुम कैली आई हो कोसी मैया कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी रिसा बाढ़ बढ़िया खादर जमीन छोड़ के गया धान की फसल लगी लहलहा उठी गांव में खुशहाली वापस लौटी तो मुखिया ने सोचा कि अब सिनेमा का प्रोग्राम रखा जाए सिनेमा दिखाया गया सिनेमा था मदर इंडिया सिनेमा चला मदर इंडिया का गीत चला कि औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है
दुनिया में तो लाज ही नारी का धर्म है, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। शुक्रिया।